बात बताइए, आज कोई और इलेक्शन नहीं लड़ रहा था? आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और आज आवाज द वॉइस का इलेक्शन एक्सप्रेस आ पहुंचा है बिजबिहारा। अब चूंकि आज साउथ कश्मीर में पोलिंग का डे है, लोग अपने घरों से वोट डालने के लिए निकले हैं, तो आवाज द वॉइस ने कंटिन्यूअसली शोपियां का दौरा किया और पुलवामा कुलगाम का भी दौरा किया। और अभी जब हम बिजबिहारा पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ पे लोगों की लंबी कतारें हैं जो यहाँ पे अपना वोट डालने के लिए आए हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कश्मीर में जो इलेक्शन के टाइम वोट डालना जो है उसको बायकॉट नहीं किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा ट्रांजिशन जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है। अब ये वाला जो पोलिंग स्टेशन है यहाँ पे इल्तिजा मुफ्ती जो है खुद आके अभी अपना वोट कास्ट करेगी, और हम इस रिपोर्ट में कुछ लोकल से भी जानने की कोशिश करेंगे और उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अपने उस नुमाइंदे से जिनको वो अपना मैंडेट देंगे किस तरह की उम्मीदें उन्होंने लगाई हुई है। इल्तिजा, आफ्टर 10 लॉन्ग ईयर्स अब लोगों को मौका मिला है कि वो इस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का हिस्सा बने, क्या कमेंट रहेगा? आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप यास्मीन। आपने खुद देखा है पिछले 8 सालों से यहाँ जब से गवर्नर रूल हुआ है तो यहाँ कंप्लीट बाबूडम है, करप्शन इज टचिंग यू नो स्काई हाइट्स। आप खुद देखती हैं जो भी रिक्रूटमेंट हुई है 2019 से सब में दांधली है, जो गवर्नमेंट हमारी पोस्ट है वो खाली है, हमारे नौजवान बच्चे जो मेरे भाई हैं बहने हैं दे स्टडी फॉर एन एग्जाम, उसके बाद वो एग्जाम बार बार स्क्रैप होता है, पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन है, उनके मसाइल हल नहीं हो रहे, बाहर से बाबूज आते हैं कोई पोलिटिकल अकाउंट नहीं, लेकिन सब चीफ मिनिस्टर बनने दे बिहेव लाइक द चीफ मिनिस्टर्स, सो दे नीड सम काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ओनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल। साउथ कश्मीर में चूंकि हिस्ट्री रही है कि इलेक्शंस जो है बायकॉट होते रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का क्रेडिट ले रही है कि हालात बेहतर हो गए और अब लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं, लाइक हाउ डू यू सी दिस? दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब, वो हर एक चीज के लिए क्रेडिट लेना चाहते हैं तो इस चीज के लिए भी कौन वो अकाउंटेबिलिटी लेगा जो डोडा किश्तवाड़ राजौरी पुंछ में मिलिटेंसी होती है, उस वक्त तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन दे वॉश देयर हैंड्स ऑफ इट, तो ये ठीक नहीं है। बट आई थिंक इट्स अ टाइम टू बी हैप्पी, इट्स अ मोमेंट टू सेलिब्रेट, हमारे इतने नौजवान खवातीन वोट डाल रहे हैं, इट्स अ वंडरफुल थिंग। जीत हमारी, इंशाल्लाह जीत हमारी, इंशाल्लाह सुनो सुनो पीएम सुनो 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 पीएम सुनो जीत हमारी, इंशाल्लाह जीत हमारी, इंशाल्लाह दुश्मन हारी, इंशाल्लाह दुश्मन हारी, इंशाल्लाह। कुछ फीमेल वोटर्स हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो क्या सुनाओ? यास्मीना ठीक, मैं बोलती हूँ तुम आज 10 वरी पत मतलब मिलो लुकन मौक वोट त्रानो क्या छु महसूस गा? अच्छा खुश है मिस मज है गस कामयाब गस इन त सवान मास्टर ते कल आला। अच्छा मैं बोलती हूँ कि पर्टिकुलरली यत एरियास मज कम कम मसले छ? मसले छ ये मै सारी गस ठीक ठाक रोज हालात गस ठीक रोज दे के सही। तो क्या सुनाओ परवीना? मैं बोलती हूँ कि यह सेम सवाल छु कि 10 वरी गसित छु वन लुकन मिलियो मत मौक, बेरोजगारी छु शुड़ा छु पोरमुत कोरमुत तुम गई विचार कने बस बे लागन तुम छु बिचारे पोरमुत कोरमुत इशु बेरोजगारी तिमन गस क्या यूज रोजगार मेलुन त मन गस क्या छ मे पेगन वन मानुन ति एमए कर डीएड कर छ पीएचडी कर छ एम फिल कर शुड़ बिहित गारम पन्ने में बिचार त पत लग नशस कुन लग हपर यप लग स दबन अस एमए अस दबन गस गसन कामयाब ये कैसा हुकूमत ये रोज है सॉरी से। आपका नाम क्या है? मिस्टर मोहम्मद शफी जी। शफी साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि 10 साल की गैप के बाद आज लोगों को मौका मिला है कि पॉलिटिकली वो पार्टिसिपेट करें इस इलेक्शन में, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, बढ़िया है। इलेक्शन में अगर लोग पार्टिसिपेट करेंगे ये हमारे लिए फायदे की बात है। पिछले आपको पता है 2019 तक क्या हुआ है, तब से यहाँ लोग बड़े परेशानी है, परेशानी की हालत में आज जो आप लोगों का वलवला यहाँ पर देख रहे हैं ये इसी के कारण है कि हम चाहते हैं कि हमें नजात मिले इससे, जो हमने बीजेपी ने हमारे साथ किया है हम उसका नजात चाहते हैं। अभी तक जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम हुए हैं कश्मीर में उनको लेके क्या आप खुश नहीं है? नहीं है, आप देखते हैं क्या काम है, अगर उन्होंने कुछ काम किया हम देख लेंगे। नहीं है, आप दिखा मुझे महंगाई कितनी है, कहाँ पर कौन सा काम हुआ है, हमें कोई काम नजर नहीं आ रहे हैं। आप देखिए महंगाई कितनी है इधर कश्मीर में, क्या हाल है कश्मीरियों का, इसी के कारण हम आज वोट दे रहे हैं। बीजेपी ने कोई वो काम दिखाया कुछ, अगर बीजेपी ने किया होगा तो बिजबिहारा के लोगों के इतने कौन से मसले मसाइल है जिन पे उन्होंने आज अपना नुमाइंदा चुना है? हमारा मसला मसाइल कोई नहीं, बस हम नजात चाहते हैं बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से हम नजात चाहते हैं, इसे हम नजात चाहते हैं। बाकी जितने भी है कश्मीरी है यहाँ पर जो आज बिजबिहारा में वोट दे रहे हैं ये सिर्फ अगेंस्ट है बीजेपी। तो
क्योंकि आप ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर पे राज करने के लिए एक लोकल कैंडिडेट का होना जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई भी जीते, लेकिन हमारा अपना कैंडिडेट होना जरूरी है। बिल्कुल, कुछ और लोग भी हमारे साथ, आपका नाम क्या है? निसार अहमद जी। निसार साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि काफी तवील अरसे के बाद आज जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो क्या कमेंट रहेगा, कैसा महसूस हो रहा है? ठीक होगा, और क्या? हाँ, ठीक होगा। और क्या ऐसे मसले मसाइल है यहाँ के लोगों के? यहाँ तो बहुत मसाइल है, जैसे कि यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वो घर में बैठे ड्रग्स कर रहे हैं, अगर हमें कोई आसानी मिल जाए तो हमारे बच्चों को मिल जाए वो हमारे लिए बड़ी बात है जी। हाँ। और अब चूंकि ये जो इलाका है हमेशा से पीडीपी का ही इलाका रहा है, डोमिनेंस रही है, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है एनसी जो है या अभी कुछ और कैंडिडेट्स है, जिस तरह से जमात इस्लामी जो है वो भी अभी मैदान में आया है, तो एज अ लोकल वोटर आपका क्या? ये पीडीपी का हार्ट टाउन है, हार्ट टाउन कहते हैं इसको, ये पीडीपी का हार्ट टाउन है, या एनसी का यहाँ पर कोई जगह नहीं है, मुफ्ती साहब का इलाका है, यहाँ एनसी पर कोई वोट नहीं पड़ेगा, जो पड़ेगा वोट वो पड़ेगा पीडीपी के नाम, मुफ्ती साहब की जात पर।